अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं डॉक्टर अब्दुल अली खान। हमारे हॉस्पिटल में हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी। हमारे पास 24 आवर्स के लिए कार्डियक एम्बुलेंस है, जिसमें नया टेक्नोलॉजी के साथ मशीन सब उसमें लगी हुई है। मुमरा से लेकर डुम्बेवली तक के लोग हमारे हॉस्पिटल से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमारे पास अच्छे अच्छे रूम हैं, डिलक्स रूम है, स्वीट्स रूम है, हर तरह की फैसिलिटीज हमारे हॉस्पिटल में माशाल्लाह मौजूद है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो गरीबों की बढ़ चढ़कर मदद करती हैं। इसी तरह से राबोड़ी की एक संस्था है, इसका नाम है संजली एजुकेशनल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट, जो गरीबों की इस तरह से मदद करती है, चाहे वो राशन हो या फिर सिलाई सिखाने का काम हो, चाहे फिर एजुकेशन मेडिकल का फील्ड हो, या फिर मदरसे में बच्चों को पढ़ाने को लेकर, या फिर आने वाले समय में और आगे किस तरह से वो गरीबों के लिए आगे मदद करेंगे, इस सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। संजली एजुकेशनल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट जो तमाम मेंबर है, ट्रस्टी है, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम सोहेल रहमानी है। मैं संजीव एजुकेशन वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट का एक मेंबर हूँ। सर, आप लोग जो है काफी गरीबों की मदद करते हैं, राशन वगैरह भी पहुंचाते हैं, तो फिर रमजान का महीना शुरू होने वाला है, ऐसे में आप लोग जो राशन की जो व्यवस्था करते हैं किस तरह से करते हैं और कैसे गरीबों तक जो पहुंचाते हैं, आप कैसे उनको कॉन्टेक्ट करते हैं? जी, एक पूरा प्रोसेस है। जैसे राबोड़ी की ही आवाम हमारी मदद करती है और वही ज़कात फितरा जो भी हमको रमजान के महीने में मुहैया कराती है, वही पैसे लेके हम लोग एक जितना भी फंड जमा होता है उसके लिए हम लोग एक वेरिफिकेशन कमेटी बनाई है। वो वेरिफिकेशन कमेटी जाके ऐसे जो नाम हमारे पास आते हैं उनका घर पे जाके वेरिफिकेशन होता है बाकायदा फिजिकली। अगर फिर उसका हमारे लिए वो वेरिफिकेशन करने के बाद एक हमारे पास सिलेक्शन कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी के पास वो रिपोर्ट पेश की जाती है, फिर सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करती है कि वो मुस्तैक है कि नहीं ज़कात के, और वो ये जो ज़कात फितरा हमने जमा किया अगर वो सिलेक्ट एक बार हो जाते तो फिर हमको मंथली बेसिस पे पूरा साल राशन पहुंचाते। ये हमने शुरू किया था 4 फैमिली से पिछले 5-7 साल पहले। अब तक के हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह 38 फैमिलीज को डिलीवर किया हुआ है और आगे भी हम लोग करना चाहते हैं। और इसका मेन बेसिक वजह ये थी कि हम लोग ने देखा माशरे के अंदर के ना बहुत ज्यादा बदहाली और ये है, तो इसके लिए हम लोग चाहते थे कि ना हम लोग कम से कम उनके राशन के लिए हेल्प कर दे, तो जो उनके पास पैसा बचे तो वो उसे रेंट पे कर दे या अपने बच्चों की पढ़ाई में सर्व कर सके। तो इसलिए खास तौर पर रमजान के महीने में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो किसी से कह नहीं पाते, बता नहीं सकते हैं, तो आप लोग उन लोगों को कैसे, किस तरह का हेल्प करते हैं, राशन कैसे पहुंचाते हैं? काफी आपने जैसे बताया कि आपके तरफ से एक वेरीफाई टीम है, वेरीफाई करते हैं कि क्या ये लेने योग्य है या नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बोल भी नहीं सकते और बता भी नहीं सकते। जी, जिस तरह से जैसे हम लोग क्या करते हैं इसके लिए ना, हमारे पास कुछ हम लोग जिस तरह से ये अभी संजय ट्रस्ट हम लोग में राबोड़ी में इसको बता चुके हैं कि हमारे ट्रस्ट इस तरह से राशन पहुंचाती है करती है, तो हमारे पास रेफरेंसेस आते हैं कि हमारे पड़ोस में ऐसे लोग है, हमारे अतराफ में ऐसे लोग है, हमारे रिश्तेदारी में ऐसे लोग है, तो हम लोग जाके फिर उसका वेरिफिकेशन करते हैं और वाकई में ऐसे लोग है राबोड़ी में। और हमारे हम लोग ने अभी तक सिर्फ 38 फैमिलीज तक के ही पहुंच पाए, हमारे पास और भी अप्रोचेस आई है, हमारे पास और भी वेरिफिकेशन पेंडिंग पड़े क्योंकि हमारे पास उतना फंड नहीं है। जैसे ही हमारे पास उतना फंड अवेलेबल होगा तो हम वापस से वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे और लोगों तक के ये राशन पहुंचाया जाएगा। अच्छा, एक अहम बात और है कि आपकी जो संस्था है ये राबोड़ी में है जी, लेकिन अगर हम रोज चलाते वीडियो दिखाते हैं तो बहुत दूर तक जाती है आप लोग, तो फिर इसके लिए आप कहाँ तक पहुंचा सकते हैं राशन वगैरह, या सिर्फ राबोड़ी के ही लोगों के लिए, क्योंकि आपकी जो संस्था है राबोड़ी के, तो आगे भी और टीम है वगैरह पहुंचाने के लिए या फिर राबोड़ी के ही लोगों के लिए मदद कर सकते? जी, बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया, बहुत शुक्रिया। लेकिन हम क्या चाह रहे थे कि हम लोग सिर्फ राबोड़ी के लोगों तक ही पहुंचा पाएंगे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सोर्सेस है, जैसे फंड की अवेलेबिलिटी भी नहीं हमारे पास है और टीम भी कम है, तो हम लोग चाहते हैं ना हम लोग सिर्फ राबोड़ी के लोगों के लिए ही काम करें और आपके चैनल के द्वारा हम लोग ये जहां तक के ये वीडियो जाती है उन तक के मैसेज देना चाहते हैं कि खुदारा आपके यहाँ पे भी, आपके इलाके में भी आप लोग जो ज़कात फितर जमा करते हैं इलाके के ही लोगों से जमा करें,
और इलाके के लोगों में ही ऐसे मिस्टेक ढूंढे और उन तक के लिए राशन पहुंचा है। आपका क्या नाम सर? मेरा नाम तजमुल्ला खान है। सर, सिलाई के लिए भी आपकी संस्था काम करती है, तो कितने लोगों को सिखाया जा रहा है? क्या सिर्फ महिलाएं ही सीखती हैं इसमें या फिर जेंट्स भी सीखते हैं? ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कलीमुल्ला खान है और मैं इस ट्रस्ट का एक मेंबर हूँ। जैसे कि आपने पूछा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये ट्रस्ट है, ये जब घर घर पे जब राशन पहुँचाती थी, तो हम देखते थे कि वो जो औरतें हैं वो घर घर काम करती थी, वो घरों पर काम करती थी और वो अनस्किल्ड में आती थी, इसलिए उनकी इनकम बहुत कम थी। तो हम लोगों ने ये एक एनालिसिस के बाद ये पकड़ पाए कि हम लोगों को हुनर भी देंगे, और जब हम लोगों को हुनर देते हैं तो उनका पे स्केल भी बढ़ता है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए हमने जो हमारी फैमिलीज जो अप्रूव है, वो अप्रूव वाली फैमिलीज को हमने फ्री में सिलाई क्लास सिखाने का उनको अपॉर्चुनिटी दी है, और जिन जो बाकी जो दूसरे लोग हैं वो भी हमारे क्लासेस में आके सीख सकते हैं। इसकी फीस बहुत ही कम है, मार्केट रेट से बहुत ही कम है। तो अभी के लिए सिर्फ लेडीज लोग को ही हम सिखाते हैं, और जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम चाहते हैं कि हमारी जो औरतें हैं वो अनस्किल्ड से स्किल काम में आ जाए और उनकी पे स्किल बढ़े, ताकि अपने माशरे को वो भी संभाल सके। अच्छा, कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो अभी तक यहाँ से सीख कर जा चुकी हैं, जो खुद अपना कारोबार कर रही हैं, और कितनी अभी ऐसी है कि जो सीख रही हैं? जी, तो ये जो इनिशिएटिव है हमारा, ये 2022 का इनिशिएटिव था, अगस्त में हमने ये चालू किया था। अभी तक कोई भी सीखकर फारिग नहीं हुआ, क्योंकि मिनिमम वो 6 महीने का कोर्स है। जल्दी चालू किया। ये जो सिलाई क्लास का जो इनिशिएटिव था, ये पिछले साल के रमजान में जो कलेक्शन आया उसके बेसिस पर था, और अगस्त से हमने चालू किया, तो अभी तक कोई फारिग नहीं हुआ है। लेकिन मैं कहता हूँ, मोटा मोटी हमारे पास 15 से 20 स्टूडेंट है जो इस सिलाई क्लास से फायदा उठा रहे हैं। बात करेंगे आप एजुकेशन और मेडिकल को लेकर, किस तरह से जो है काम करते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ भुट्टे है और मैं संजीव एजुकेशन वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट का एक मेंबर हूँ। जैसे एजुकेशन के बारे में हमारी ये एनालिसिस थी कि हम जब मेंबर्स के घरों पे जाते थे वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ हमने देखा कि चंद फैमिलीज ऐसी भी है जिनके यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई पे ज्यादा फोकस नहीं दिया जा रहा है। तो उसकी वजह जब जानने की कोशिश की गई, तो पता चला कि वो या तो तवज्जो नहीं होती है, या तो फिर उनके पास पैसे नहीं है वहाँ भरने के लिए, या फिर बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो ऐसे ये रीजंस जब आते हैं हमारे पास में, तो हम क्या करते हैं, उन फैमिलीज से मिलते हैं, बच्चों की काउंसलिंग करते हैं पेरेंट्स के साथ मिलके। हमारे चंद राबोरी के कोचिंग क्लासेस से टाई अप है, चंद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हम पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उन बच्चों की जो फीस होती है, या तो हम स्कूल या फिर उनकी जो कोचिंग क्लासेस है उनकी फीस हम दे देते हैं, और वहां पर हम एक टैब रखते हैं कि बच्चा रेगुलरली जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है और उसकी प्रोग्रेस कैसी है। तो ये एक रेगुलर पीरियड ऑफ बेसिस पे हम उसको एक बैठते हैं, बातचीत करते हैं, पेरेंट्स को समझाते हैं कि आपके बच्चा क्या प्रोग्रेस कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। इसी के साथ साथ कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हमने देखे हैं जहां पर बच्चा पढ़ रहा है लेकिन खुद के दवाई के लिए उनके पास भी पैसे नहीं है, जैसे किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया या कुछ तकलीफ आ गई या दवाखाने नहीं जा पा रहे, तो ऐसे फैमिलीज को भी हम मेडिकल हेल्प देते हैं, और मेडिकल हेल्प सीमित तरीके से हम कर पाते हैं क्योंकि हर मरीज का इलाज नहीं कर सकते हम, तो सीमित तरीके से जो बेहतर है उनके लिए, जहां पर उनको डाइवर्ट कर सकते हैं कम पैसे में और अच्छा बेहतरीन इलाज के लिए, वहां हम उनको डाइवर्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो है हम उनकी मेडिकल और एजुकेशन के लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। अभी फिलहाल जहाँ हम खड़े हैं ये एक मदरसा है, और मदरसे में भी आप लोग जो है बढ़ कर हिस्सा लिए हैं। जी, क्या नाम है इस मदरसे का, और इसमें जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं कितने बच्चे? इस मदरसे का नाम मदरसा हजरत अली है, और ये मदरसा गुज़श्ता 10 सालों से जारी है। जब से हमने ये मदरसा बनाया है तब से यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इस साल 150 बच्चे ऐसे हैं जिसमें लड़के लड़कियां शामिल है, इस मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं। और मैं बताता चलूँ कि इस साल 5 बच्चे जो है वो कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। हमारा तो मकसद यही था कि बच्चे को अच्छी तरह से कुरान शरीफ पढ़ने आ जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच्चों का जब रुझान बढ़ा कि हम हिस्ट्री कर रहे हैं, माँ बाप का रुझान बढ़ा, तो हम इसको हिफ्ज़ करवाने के लिए भी शुरुआत कर रहे हैं। पिछले साल 3 थे, इस साल हम 2 बढ़ गए, तो 5 बच्चे इसमें हिफ्ज़ कर रहे हैं। और दीनी तालीम के साथ साथ हम लोग ने सोचा कि औरतों की भी एक तरबियत होनी चाहिए, तो इसी मदरसे में हर 15 दिन के जो इतवार आता है, महीने में 2 बार 2nd और 4th इतवार को यहाँ पर औरतों का दीनी इज्तिमा होता है। इसके अलावा मापले शबा का दरगाह है, उसके पीछे नूरी हाउस है, वहां पर हर संडे को दीनी इज्तिमा होता है, ताकि हम समझते हैं कि दीन जो है वो घर घर तक पहुंचे। आपको बता दें कि जो संजरी एजुकेशनल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये एक बेहतर काम कर रही है। कहीं ना कहीं मेडिकल हो गया, एजुकेशन हो गया, सिलाई सिखाने का काम हो गया,
और अहम बात यह है कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनके यहाँ राशन पहुंचाने का भी काम करती है, और आगे किस तरह का काम करी एक बार और हम जानेंगे, आगे किस तरह का आपका संस्था जो है ये किस तरह से काम करेगी। जैसे आगे हमने प्लान किया हुआ है कि हम यहाँ नंबर ऑफ फैमिलीज को इंक्रीज करें कि हम ज्यादातर घरों तक के पहुंचे, और जो हमारे पास और ज्यादा फंड आए तो हम ज्यादातर के राशन पहुंचा सके। साथ ही साथ हमारे साथ में जितने भी लोग हैं माशाल्लाह से पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनका खुद का एक इनिशिएटिव आया है कि ना हम क्यों ना इनकी डॉक्यूमेंटेशन में मदद की जा सके। जैसे कि हमारे यहाँ के इलाके के अंदर काफी लोग ऐसे होते होंगे जिनके ना डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम्स होती होगी, उनके नेम करेक्शंस हो गया, एड्रेस करेक्शंस हो गया, तो इसके अंदर हम उनकी हेल्प करें, या उनकी वोटर आईडी बनाने में हम मदद करें, या उनका पासपोर्ट बनाने में मदद करें। लेकिन ये हमने अभी प्लान किया है, इसका रोड मैप अभी हम लोग रेडी कर रहे हैं कि हम लोग कितना वक्त दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली सब लोग जॉब करते हैं या कोई कोई बिजनेस में लगा हुआ है, तो हम लोग उसका एक रोड मैप बना रहे, रेडी कर रहे, जैसे ही वो मुमकिन होगा हमारे लिए तो हम लोग उसको आगे अनाउंस करेंगे, और किस तरह से हम लोगों की हेल्प करें वो भी आपके द्वारा या किसी भी तरह हम उनको तक बात पहुंचाएंगे। अच्छा, खास तौर पर आखिरी सवाल है, राकोड़ी के कुछ लोग भी ऐसे होंगे, काफी बड़ा इलाका है ये जी, तो कुछ आपका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह बता सकते हैं आपकी, ताकि अगर अगर लोग एक दूसरे से ना जानते हो तो आपको कॉन्टेक्ट भी कर सके पर्सनल। जी जी जी, जैसे ना मैं मेरा नंबर बता देता हूँ अभी, मेरा नंबर है 9702414006, और इसी के साथ साथ में हम लोग जो भी अपने वीडियोस बना के फेसबुक पे और इंस्टा पे और यहाँ पे व्हाट्सएप पे वायरल करते हैं, तो उसमें भी हम लोग हमारा नंबर देते हैं, तो उस जरिए भी आप कर सकते हैं हमें कॉन्टेक्ट, हमारे कोई मेंबर के जरिए कॉन्टेक्ट करें, लेकिन दावोड़ी की आवाम से ही हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमसे कॉन्टेक्ट करें, अगर कोई ऐसा मुस्तैक है तो प्लीज वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास नाम दें। काम तो बहुत अच्छा किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ राबोड़ी जो है ये काफी बड़ा इलाका है, और इस वजह से जो है टीम भी इनकी है, लेकिन टीम उतनी उतनी बड़ी नहीं है कि जो बाहर तक जा सके, इसलिए इनकी यही गुजारिश है कि जो राबोड़ी के लोग हैं खासकर से अगर कोई जरूरतमंद है तो उन्होंने अपना नंबर भी बताया, उस नंबर पर उसे संपर्क करके आप मदद ले सकते हैं।